हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका अपना गगन यादव और आज मेरे साथ हैं एडवोकेट ललित यादव जी। और हम आज रवाना हो रहे हैं दिल्ली की तरफ, उत्तम नगर के बिंदपुर थाने में। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारे राव पृथ्वी सिंह भाई की जो नियोजित तरीके से हत्या हुई थी, उसमें दोषियों को अब तक कोई भी सज़ा नहीं हुई है, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है किसी की। जिसके भी नाम हमारे भाई ने गुजरने से पहले लाइव वीडियो में लिए थे, उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पहले तो FIR भी नहीं लिखी जा रही थी, दर्ज की जा रही थी, लेकिन हम लोग पृथ्वीपुरा गांव नारनौल महेंद्रगढ़ हरियाणा में गए थे लास्ट मंथ। तो उसके बाद DC साहब को हमने ज्ञापन दिया, तो उसके बाद FIR भी दर्ज हुई। अब मुद्दा ये है कि पीड़ित परिवार कई दफ़ा चक्कर काट चुका है दिल्ली के, और आप समझ सकते हैं कि एक परिवार के लिए जिसने अपना, उस माँ के लिए, उस बाप के लिए जिसने अपना इकलौता बच्चा खोया हो, क्या स्थिति रहती होगी अब रोज़ आने जाने की, या जब भी हफ्ते भर में बुलाया जाएगा। तो इसमें हम लोग एक समाज के नज़रिए से क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इस पर विचार करने की हमें ज़रूरत है। हालांकि मैंने पीड़ित माँ को आश्वस्त किया है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम भी आपके बच्चे हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ये सबको पता है, उस माँ को भी पता है कि सहारा देने के लिए तो लोग कुछ दिनों के लिए आ जाते हैं, लेकिन अपना अपना ही होता है। फिर भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि जीवन भर हम अगर किसी भी उस माँ के लायक आ पाएं तो आने का पूरा प्रयास रहेगा, बाकी कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। अब बात यह है कि जैसी हमारे पास मॉर्निंग में कॉल आता है पीड़ित परिवार का कि वो आज दिल्ली में बुलाया गया है उन्हें और वो आ रहे हैं, तो हम लोगों ने डिस्कस किया और उसके बाद अपने सारे काम छोड़कर हम लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और बात करेंगे हम प्रशासन से भी कि क्यों अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, और बल्कि जब FIR भी दर्ज हो चुकी है तो उसके बाद भी क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि प्रशासन अपने तरीके से काम करेगा, न्यायालय अपने तरीके से काम करेगा, लेकिन एक समाज का क्या दायित्व बनता है, एक समाज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ड्यूटी है, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं भी अपनी माँ का अकेला लड़का हूँ, हम लोग भी इधर उधर भागते हैं, और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास साथ देने के लिए ऐसे भाई हैं जो जब भी इन्हें किसी भी काम के लिए याद किया जाए तो ये अपने काम नहीं गिनवाते, अपने काम छोड़कर मेरे साथ निरंतर संघर्ष में हमेशा शामिल रहते हैं। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा ललित यादव जी का, और इसी के साथ मैं आशा करूँगा कि हमारे समाज के जो भी लोग जिस भी प्रकार अपनी सहायता, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो ज़रूर दें। देखिए, बातें बाद में बहुत बनाई जाती हैं कि कोई खड़ा नहीं होता मुद्दों में, कोई साथ नहीं देता है। आप खुद ही देखिए ना, यही तो मुद्दे हैं, यही तो वो वारदात हैं जिनमें आपके सहयोग की अपेक्षा हम लोग करते हैं। तो आप ही अगर साथ नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी? और साथ आपको साथ कोई जबरदस्ती साथ नहीं देना है, एक भाव के साथ आप लोग महसूस करके देखिएगा कि उस माँ ने जिसने अपना इकलौता बच्चा खो दिया, और मेरी लास्ट वीडियो, वो ऑडियो कॉल थी वो मैंने अपलोड की थी, उसमें साफ साफ उस माँ ने कहा है कि बच्चे, मैंने तो अपना बच्चा खो दिया, रोते रोते वो माँ कह रही है, और मेरे साथ एक भी बच्चा नहीं खड़ा आज की तारीख में, मैं मर जाऊँ क्या? वो सुन के देखना, और माफी चाहूंगा अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो, लेकिन शर्म आनी चाहिए आप लोगों को भी कि नेताओं के पीछे भागने के लिए, तेल फूंकने के लिए आपके पास बहुत समय है, बहुत पैसा है, लेकिन जहां आपकी जरूरत है वहां आप लोग शांत बैठे हुए हैं घरों में, इवन नॉट अ सिंगल पोस्ट, एक मैसेज तक भी आप सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए, और थोड़ी बहुत शर्म अगर बची हो, माफी चाहूंगा अगेन,
अगर बची हो तो अपना सहयोग जरूर दें। बाकी मैं चाहूंगा कि ललित यादव जी अपने अपनी बात यहाँ पर रखें। जय हिंद साथियों, जैसा कि बड़े दुख का विषय है कि राव पृथ्वी सिंह के साथ जो जिस तरीके से उनकी जो जहर देकर हत्या की गई, उनके सुसालियों के द्वारा नियोजित तरीके से, उसमें लगभग लगभग महीने भर का समय हो गया है। FIR में 306 में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस की इस नाकामी को क्या कहें कि अभी तक ना तो पुलिस गिरफ्तार कर पाई है, ना ही पर कोई दबाव बना पाई है। कम से कम जो पुलिस का अपना काम है, जो उनकी ड्यूटी है, कम से कम उसको तो पूरा फुलफिल करें और कम से कम दोषियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करें। न्यायालय जो जेल भेजे, जमानत दे, जो भी करे, वो अंतिम निर्णय न्यायालय का है, लेकिन कम से कम पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। और आज इसी सिलसिले में हम और गगन यादव जी और अन्य साथियों के साथ आज हम लोग जा रहे हैं और आज हम उच्च अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करेंगे और कम से कम जो पीड़ित परिवार के साथ दें और कम से कम जो है न्याय के लिए तो कम से कम साथ आए अपने लोगों के साथ, कम से कम। और कम से कम जो राव पृथ्वी सिंह थे, हमारे गांव, जिला, प्रदेश, देश के लिए बड़ी गौरव की बात थी और रेसलिंग का एक बड़ा नाम था, लेकिन आज हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कहीं ना रिप्रेजेंट कर रहे कहीं थे कहीं ना कहीं समाज आज। को, और देश आज को। वो सिंगल उनके माता पिता केवल केवल चुनिंदा हम जैसे लोग उनके साथ हैं, तो इसलिए जो है प्लीज़ मेरा सभी आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस मुहिम में साथ आएँ और दोषियों के सख्त कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई कराने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी।